السلام عليكم ورحمة الله. अभी लास्ट आप लोग कौन सा टॉपिक कर रहे थे, कौन सा चैप्टर चल रहा था? जी बच्चा, कौन सा थर्टीन का हमने फिफ्थ वन किया था, ये किया था कार वाली क्लास का थर्टीन चैप्टर का ये फिफ्थ वाला किया था हमने कार की क्लास में लास्ट। इसके अलावा कोई और भी किया था? आई 14 करना है, ये 14 हो गया था। क्यों भाई क्लास? फोर्टीन भी हो गया था, थर्टीन भी हो गया था, फिफ्टीन भी। सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी। सर, आपने सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व करवा दी थी और आपने कहा था कि अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही हो तो वो पूछ सकते हैं। जी बाकी हमारे सारे चैप्टर की एक्सरसाइज की रिवीजन भी हो गई हुई है। ठीक हो गया। तो अभी फिर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों के या नहीं? सर 13 चैप्टर में फ्रेंड फंक्शन का ना एक प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, जी जी उसमें जो शुरू वाला पॉइंट है ना उसमें सेमी कॉलन दिया हुआ है क्लास बी के शुरू में, तो सर जी वहां से मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो हमने वहां क्यों यूज करना है। ये एग्जांपल में है। यस सर, ये एग्जांपल है सर, सॉल्व एग्जांपल है चैप्टर 13 वाला जो फर्स्ट वन है ना, 13 या 14? इंट्रो वाला वही है सर, 13 वाला। 13 में एग्जाम प्रोग्राम नंबर क्या है? सर एक मिनट में बुक खोल के देखती हूँ। सर फ्रेंड फंक्शन है ना पेज नंबर 413 पे। सर ये 413 आ गया। जी यही है, 413 है ये पेज। नो सर, ये वाला नहीं है, फ्रेंड फंक्शन की जो एग्जांपल दी हुई है ना नेक्स्ट वाला पेज वो है, इससे फोर ना वन फोर 414 ये फ्रेंड फंक्शन। जी यस सर। हाँ जी सर ये ठीक देखिए ना, क्लास ए और क्लास बी दो बनाई है ना, लेकिन सर ये क्लास बी के साथ जो इन्होंने सेमी कॉलन यूज किया हुआ है ना, सर इसकी हाँ, समझ नहीं आ रही। ये वाला नहीं पता चला, ये इसकी बात कर रहे हो? यस सर, जी ये जी वाला असल में ऐसे है कि जब आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक दो फंक्शन के अंदर एक चीज होती है प्रोटोटाइप, पढ़ी है आपने? प्रोटोटाइप, कॉल और डेफिनेशन पढ़ी के नहीं पढ़ी? सर आपने एग्जांपल इसकी सॉल्व करवाई थी ना, तब थोड़ा सा बताया था कि ये प्रोटोटाइप जो है वो यूज होता है, जब आपने इसी नहीं, चैप्टर की मैं जो ना एक्सरसाइज इसको प्रॉब्लम सॉल्व करवाई थी ना। मैं इसको एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। मसलन हमारे पास यस सर, ठीक। किया, मैं यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ कोई फंक्शन ए बी सी,
एबीसी मैंने कॉल किया है। अब इसको मैं कंपाइल करूं तो क्या होगा? इसको मैं कहता हूं जी मैंने प्रोटोटाइप का नाम दिया। मैं इसको इसको रन किया तो एबीसी वाल नॉट डिक्लेयर्ड इन स्कोप, ये एरर आ रही है, ये एरर आ रही है ना, ठीक है आनी भी चाहिए। वो ये कह रहा है कि एबीसी तो है ही नहीं है, डिफाइन डिक्लेयर ही नहीं हुआ। ठीक है इसको यहाँ पे कंपाइल करते हैं तो एक एरर आता है, एबीसी वाल नॉट डिक्लेयर इन स्कोप। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ void abc और इसको कंपाइल करता हूँ, कंपाइल किया तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है जी, प्रोटोटाइप अनडिफाइंड रेफरेंस टू abc, कंपाइल कंपाइलर। तो इसको कंपाइल करते हैं तो अनडिफाइंड रेफरेंस टू एबीसी। अच्छा इसके बाद चल यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन दे देता हूँ, वाइड एबीसी और यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ, फिल आउट कर देता हूँ, इसको मैं कंपाइल करता हूँ। ये एरर अभी भी इधर ही है, एरर देखें यानी यहाँ पे यहाँ डेफिनेशन दी है मैंने, ये डेफिनेशन है ना, लेकिन फिर भी नहीं मान रहा। वजह ये है कि कंपाइलर जब रीड करता ना, पहली लाइन को रीड करेगा, दूसरी को करेगा, तीसरी को, चौथी को, पांचवी, जब वो एबीसी को रीड करेगा ना वो कहेगा एबीसी तो कहीं डिफाइन ही नहीं है, कहीं पे डिक्लेयर, हालांकि एबीसी इसके बाद आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इसको शुरू में बता दें कि एबीसी है, इतना सिर्फ बता दें कि एबीसी के नाम है, अब इसको कंपाइल करेंगे तो अब कोई मसला नहीं, अब कोई मसला नहीं है, ये इसको इसमें रन कर लिया। यानी स्टार्ट में बताने का मकसद ये है कि जब वो इस लाइन पे पहुंचे हैं तो इससे पहले आप यहाँ पे असल में यहाँ पे ये लाइन जो है प्रोटोटाइप है, टू इन्फॉर्म कंपाइलर अबाउट एबीसी, आप यहाँ पे सिर्फ इन्फॉर्म कर रहे हैं कंपाइलर को कि तो कि आगे जो है एबीसी मौजूद है, एबीसी मौजूद है, सिर्फ यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हैं। सेम जो केस है वो यहाँ पे है, अब यहाँ पे आपने क्लास ये बी अगर नहीं देते तो जब क्लास ए आया ठीक है ओके, ये भी ओके ही होगी, जब यहाँ पे पहुंचे ना तो कंपाइलर कहेगा कि ये क्या चीज है, बी क्या चीज है, वो इसके ऊपर ऑब्जेक्शन देगा। अगर फर्ज किया ये नहीं दिया आपने, ये नहीं दी लाइन, ये लाइन नहीं दी, इसके ऊपर उसने ऑब्जेक्शन करना है कि ये बी क्या चीज है, मुझे नहीं पता बी क्या चीज है। तो यहाँ पे जस्ट कंपाइलर कंफर्म कर रहे हैं कि बी भी मौजूद है, बी भी एक क्लास है और उसकी डेफिनेशन नेक्स्ट आ रही है। समझ आ गई बात की? यस सर आगे समझ, थैंक यू सर। और कुछ और किसी को कोई प्रॉब्लम हो? जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी क्लास सो रही है मेरे ख्याल, बाकी क्लास बोल भी नहीं रही, क्यों भाई क्लास?
अभी जिया ने भी पढ़ना छोड़ दिया मेरा ख्याल, अब उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। वो बेचारी जो है ना अटेंडेंस लगा लगा के थक जाती है। देखो आज मैं ऑनलाइन भी नहीं है। अच्छा ये चीज हो गई, स्टैटिक स्टैटिक फंक्शन आप लोगों ने पढ़ लिया था। ये आप ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज है, एनकैप्सुलेशन क्या चीज है। एनकैप्सुलेशन क्या होती है, हालांकि अहम चीज है। एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज है, ये चीज पढ़ी आपने, व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शन। सर सर जी इनकैप्शन की तो पीछे कोई इन्होंने सॉल्व वगैरह नहीं की थी, पीछे डेफिनेशन नहीं थी। यहाँ पे दी हुई है ना एनकैप्सुलेशन। असल में जब आप ऑब्जेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास डाटा भी होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर फंक्शन भी होता है। वैसे देखने में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता ना, ऑब्जेक्ट के अंदर दोनों चीजें हाइड होती हैं, एनकैप्सुलेट होती हैं, इसी को एनकैप्सुलेशन कहते हैं। यानी ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब आपके पास उस क्लास के वेरिएबल्स भी आ गए, उस क्लास के फंक्शन भी आ गए, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट आने से। तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए खैर, और कोई चीज जो आपको लगती हो समझने वाली। सर स्टैटिक फैन का यूज क्यों सर किया जाता है? स्टैटिक क्या चीज, स्टैटिक क्या चीज, स्टैटिक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, स्टैटिक क्लास की बात कर रहे हैं। ये दो सर कॉन्सेप्ट हैं, स्टैटिक क्लास और स्टैटिक फंक्शन दोनों बता दें, देखो दो चीजें हैं ये जो है ना, जरा इसको समझे मैं दोनों ही बता दें सर। बताता हूँ। आपका मसलन सिर दौर ये ले लेते हैं, ये आपके पास प्रोग्राम है, बल्कि कंट्रोल सी करते हैं। ये आपके पास प्रोग्राम है, स्पेस एसटीडी, ये ऐसे करते हैं। ये आपके पास प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में अब आप कोई स्टैटिक बनाते हैं, मसलन कोई वेरिएबल है, यहाँ पे आपने लिखा स्टैटिक इंट के, इसके साथ दो चीजें हैं। दो चीजें क्या है, एक इसकी लाइफ है और दूसरा इसका स्कोप है। लाइफ का क्या मतलब है कि ये कब क्रिएट होगा और ये कब कहाँ कहाँ विजिबल होगा। तो स्टैटिक इंटीजर की लाइफ क्या है, इसकी लाइफ है थ्रू आउट प्रोग्राम।
जहां से ये क्रिएट हुआ है उसके आनवर्ड थ्रू आउट द प्रोग्राम ये इसकी लाइफ है, और स्कोप क्या है, वेयर इट इज डिक्लेयर्ड। मसलन अब अगर फर्ज किया ये आपने बनाया इसको मेन में, यहाँ पे बनाया, मेन में बनाया, तो इसकी लाइफ क्या है जब तक आपका यहाँ पे अगर आपने बनाया तो मेन के अंदर तो ये विजिबल है, यहाँ से लेके यहाँ तक विजिबल है, ठीक है। लेकिन लाइफ ये है कि जब तक ये प्रोग्राम खत्म नहीं होता ये उस वक्त तक रहेगा। और अगर आप सिर्फ ये इतना करते हैं, स्टैटिक नहीं करते, सिर्फ ये वाली चीज करते हैं, इंट ए करते हैं, तो इसकी अगर फर्ज किया इंट ए आपने यहाँ बनाया इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, तो अब इसकी लाइफ और स्कोप इस फंक्शन के अंदर ही है। मतलब यहाँ से आपने फंक्शन को कॉल किया, इंटीजर ए इसके अंदर है तो ये ए बी सी के अंदर विजिबल है, और जैसे ही ए बी सी से बाहर जाएंगे तो ए भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी इसकी लाइफ और स्कोप जो है इस फंक्शन के अंदर ही है। लेकिन अगर आप स्टैटिक इंट ए करते हैं, यहाँ पे करते हैं, तो उसकी लाइफ कब तक है, जब तक ये प्रोग्राम चलेगा, और विजिबल कब होगा, जब जब ये इस एरिया के अंदर आएगा, जब जब ये इस एरिया के अंदर आएगा तब तक, यानी स्कोप वही है जहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। और अच्छा, अब अगली चीज है कि यही स्टैटिक आप क्लास में बनाते हैं, इसमें बनाते हैं क्लास में। अब आप मतलब आप एक क्लास बनाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, आपने एक क्लास बनाई, क्लास टेस्ट, ये आपकी क्लास, और इसके अंदर आपने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए और यहाँ पे फंक्शन बनाए, ये चीज। अब जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस क्लास में कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कैसा होता है, उस ऑब्जेक्ट में इस तरह जो है ऑब्जेक्ट बनता है। अब अगर ऑब्जेक्ट का एक और ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, फर्ज किया यहाँ पे, और यहाँ पे इसका वेरिएबल फर्ज किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट ए, एक वेरिएबल बनाया इंट ए, तो ये जो ए है वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी है और इसके अंदर भी ए है, ठीक है। ये वाला इस ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे ये है, इसका नाम फर्ज किया ओबीजे वन है और इसका नाम फर्ज किया ओबीजे टू, ओबीजे टू। इसका मतलब ये जो लोकल वेरिएबल है, जैसे ये वेरिएबल है, इस तरह के वेरिएबल में हर ऑब्जेक्ट की एक ही अलग अलग कॉपी बनती है, एक ही क्या बनती है, अलग अलग। अगर तीसरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी भी ए अलग होगा। और यहाँ पे फर्ज किया एक और ऑब्जेक्ट बना, एक वेरिएबल बनाया स्टैटिक टाइप, स्टैटिक इंट बी बनाया, तो अब वो बी क्या है, बी असल में ये एक अलग वेरिएबल है जिसका नाम क्या है बी, इसका नाम क्या है बी। अब ये वाला ऑब्जेक्ट बी इसी को शेयर कर रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट बी इसी को शेयर कर रहा है, और ये वाला ऑब्जेक्ट भी इसी को शेयर कर रहा है, दोनों एक ही वेरिएबल को शेयर करें, यानी जो ये जो लोकल वेरिएबल है ये इनकी हर एक के पास अलग अलग कॉपी है, और जो स्टैटिक वेरिएबल है वो जो है अलग उसकी। अब एक और बात कि स्टैटिक
यहाँ आपने ये बनाया, यहाँ पे आपने स्टैटिक का वेरिएबल बनाया तो ये बन गया, इंटीजर ए बनाया तो ये इंटीजर ए लिखने से ये बना नहीं है, इंटीजर ए लिखने से ये नहीं बना। तो ये बना कब है? जब आप इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ए बनेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका ए बन गया, और ये वाली चीज जैसे ही आपने यहाँ पे ये बनाया ये बन गया। डिफरेंस समझ में आया कि ये ए कब बनेगा? जब इस जब कोई ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी एक अलग कॉपी ए की बनेगी, ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा उसकी अलग कॉपी बन जाएगी, लेकिन ये बी कब बनता है? जैसे ही आप इसको बनाते हैं तो ये बन जाता है, जैसे ही आप इसको बनाते हैं तो ये बन जाता है। अच्छा, अब एक और चीज, यहाँ पे आपने कोई फंक्शन बनाया, मैं कहता हूँ जी अरे इस बी का वैसे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, ये बनाया है ना, ये ऑब्जेक्ट ही तो बनाया, ये मेन के अंदर समझे ये ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट वन बनाया, ऑब्जेक्ट टू बनाया। अच्छा, अब फर्ज किया एक फंक्शन है वाइड शो, फंक्शन क्या है वाइड शो, अब ये शो इसको भी दिखा सकता है और ये शो इसको भी दिखा सकता है। वजह क्या है कि जब आप शो को कॉल करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के जरिए ही कॉल करेंगे ना, मतलब आप यहाँ पे करते हैं ओबीजे वन डॉट शो मेन के अंदर, तो इसका मतलब ये शो किसको दिखाएगा? इस ओबीजे वन के ए को दिखाएगा। और अगर फर्ज किया इसके अंदर आप दोनों चीजें लिख देते हैं, मतलब आप कर देते हैं सी आउट ए करते हैं, यहाँ पे सी आउट बी करते हैं, दोनों को दिखाते हैं तो दोनों वैलिड हैं, दोनों को आप दिखा सकते हैं, ए को भी क्योंकि ए बन गया है, बी को भी दिखा सकते हैं क्योंकि बी बन गया है। अगर ओबीजे टू के जरिए दिखाएंगे तो वो इसका ए दिखा देगा, यानी इसके अंदर जो वैल्यू होगी ऑब्जेक्ट टू के, और बी को दिखाएंगे तो बी की वैल्यू दिखा देगा। अब अगली बात, फर्ज किया कि मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बनाता हूँ स्टैटिक डिस्प्ले और यहाँ पे मैं सी आउट करता हूँ ए को। अब मैंने क्या किया, डिस्प्ले बनाया जो कौन सा है स्टैटिक है, स्टैटिक का मतलब ये है कि ये डिस्प्ले वैसे ही बन जाएगा जैसे ही आप इसको बनाएंगे। अब ये बन गया, अब आपने फर्ज किया ये सारा कुछ बनाया ही नहीं, ये सारा कुछ आपने बनाया ही नहीं, और आपने यहाँ पे मेन के अंदर डायरेक्ट ही कह दिया कि आप कहते हैं जी टेस्ट क्लास का डिस्प्ले कॉल करो, तो आप इस तरह कॉल कर सकते हैं कि आपने क्लास नेम की मदद से स्टैटिक को कॉल कर सकते हैं। तो आपने इसको कॉल किया, अब आप कहें जी ए को डिस्प्ले करवाए, तो ए तो डिस्प्ले ही नहीं होगा, क्यों, ए बना ही नहीं है। एक बनेगा तब जब ये ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो तब बनेगा। अच्छा चलो, अगर ऑब्जेक्ट बन भी गया तो ये कौन से ऑब्जेक्ट को दिखाएगा? इसका मतलब ये है कि जो स्टैटिक है उसको ये राइट नहीं है, स्टैटिक को ये राइट नहीं है, इस स्टैटिक को ये राइट नहीं है कि वो नॉन स्टैटिक को एक्सेस कर सके। आपने कहा कि फिर ये कैसे एक्सेस कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, ये बी को इसको ये नॉन स्टैटिक है, ये बी को कैसे कर रहा है? क्योंकि ये बाद में बनता है, ये वाला शो जो है ये बाद में बना, तो ये चाहे इसको दिखा दे चाहे इसको दिखा दे, लेकिन ये तो पहले का बना हुआ है, उस सूरत में ए तो बना ही नहीं था बी, तो इसलिए। तो अब मैं इसको कंक्लूड करता हूँ अपनी वर्ड को, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैटिक फंक्शन कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक डेटा। इसको मैंने क्या कंक्लूड किया कि स्टैटिक फंक्शन कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक डेटा, और नॉन स्टैटिक फंक्शन कैन एक्सेस स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक
यानी जो नॉन स्टैटिक है वो दोनों को एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक जो है वो सिर्फ स्टैटिक को एक्सेस कर सकता है, और नॉन स्टैटिक जो है वो स्टैटिक को भी एक्सेस कर सकता है और नॉन स्टैटिक को भी एक्सेस कर सकता है। समझ आ गई बात थी? तो ये डिफरेंस था जी। और कोई क्वेश्चन? जी बेटा, बात समझ में आई है? क्वेश्चन दरमियान में कहीं रह गया। इस स्टैटिक फंक्शन की आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है मैंने कुछ इससे हटके कुछ पढ़ा दिया। नहीं सर, एक्चुअली अजान हो रही है तो इस वजह से जवाब नहीं दिया। जी ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई जी। जी सर। और भाई और किसी के कोई क्वेश्चन हो? आप पढ़ना शुरू कर दे, टाइम अब थोड़ा ही है। आप लोग पढ़ते नहीं, इसी वजह से क्वेश्चन नहीं है। दो दफा रिपीट कर लिया, ये मैंने रिपीट किया, आप लोगों ने पता नहीं रिपीट किया कि नहीं। लेक्चर्स को देखें, जो क्वेश्चन है वो पूछ लें। चलें मैं स्टॉप करता हूँ अभी, जो है ना वो ब्रेक करते हैं इसकी नमाज की, और 5:30 बजे दोबारा क्लास। इतनी देर में आप लोग देख लें कोई क्वेश्चन है तो फिर 5:30 बजे दोबारा शुरू कर। ठीक है जी।